स्टैंड बाई का मॉस्फेट शॉर्ट हो जाना ये बहुत मतलब थोड़ा सा और चीज़ है, यानी कि ये सब तरफ ख़राब कर सकता है। तो इस बोर्ड में कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है, तो इसमें देखना है क्या इशू हो रहा है। तो ये जो बोर्ड है ये एक एचपी का बोर्ड है जो कमर्शियल सीरीज़ का है, और इसमें कुछ चीज़ है जो कि मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, शॉर्टिंग हो जा रहा है बार बार। तो इसमें कहीं से रिटर्न नहीं है ये, मैं भी एक बार मॉस्फेट चेक करके देख चुका हूँ इसमें, लेकिन शॉर्ट हो जा रहा है। तो अभी क्यों शॉर्ट हो रहा है मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में देखूँगा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कुछ। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ बर्निंग था तो मैं खुद इसको जम्पर मारा हूँ यहाँ पे चीज़ को, लेकिन ये फिर से शॉर्ट हो गया, कुछ देर चला है फिर शॉर्ट हो गया है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो अब इसको मेरे को डिटेल में देखना है कि क्यों शॉर्टिंग हो रहा है, मतलब जस्ट एक बार ऑन हो रहा है और शॉर्ट हो जा रहा है मॉस्फेट। तो एक बार इस मॉस्फेट को मैं अगर निकाल दूँ यहाँ से, इसमें शॉर्टिंग होगा अभी शायद तक, तो कितना लेवल में शॉर्टिंग है ये चेक करना है मेरे को। या तो इसका स्टैंड बाई का सेक्शन बचा है या कि क्या हो गया। तो जैसे कि 159 ओम्स का है यहाँ पे, अगर डीएमएम में दिखाऊँ तो डीएमएम में 159 ओम्स का यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। तो एक बार के लिए मैं काम कर सकता हूँ इसमें। तो अब इसमें शॉर्टिंग है कि क्या, तो ये शॉर्टिंग है ये। अब ये जो पॉजिटिव ये ग्राउंड वाला है ये 19 वाला, यानी अपर मॉस्फेट शॉर्ट है इसमें। तो अगर अपर मॉस्फेट शॉर्ट हो गया है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा ये, क्योंकि 19 वोल्ट इंसर्ट हुआ होगा इसमें। तो देखते हैं एक बार क्या हुआ है। अगर इसको निकाल लूँगा तो मालूम चलेगा। अगर मैं इस दोनों मॉस्फेट को निकाल दूँ तो एक मॉस्फेट शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको निकाल दूँगा, क्योंकि वो एक बार अगर 19 वोल्ट शॉर्टिंग हुआ है तो ज़रूर ना ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा उसमें भी। ये इसको बनाने लायक है। तो जैसे कि इसमें जो ये आईसी है इसको चेंज नहीं किया, शायद इसके कारण से ये एक फॉल्टी हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ को पहले इस आईसी को चेंज करके बनाऊंगा। तो इसको मैं एक बार साइड करूँ। दूसरा बोर्ड अगर मेरे पास है तो मैं मॉस्फेट मुझे चाहिए इसका, तो मैं स्क्रैप से ही निकालूंगा इसको, क्योंकि मुझे स्क्रैप पे ज़्यादा भरोसा है ना कि नया वाला पे। नया वाला बेवकूफ़ बना देते हैं दिल्ली वाले, कोई कोई पार्टी हैं ऐसा, सब तो नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ लोग हैं ये बहुत ही मतलब चलता नहीं है। तो इस आईसी को निकाल लूँ मैं, फिर तो इसको मैं चेंज करूँगा मॉस्फेट वगैरह सब। खोल नहीं रहा यार ये जो आईसी है, ऑलरेडी मैं निकाल के टेस्ट किया हूँ किसी ने, और इसी को मैं वहाँ लगाऊंगा। और रह गया बात मॉस्फेट का, तो ये रहा मॉस्फेट, दूसरा मॉस्फेट यहीं से यूज कर लेता हूँ। इसमें जो लगा है आईसी, कीबोर्ड हिल क्यों रहा इतना। अगर इसको मैं निकालूं तो थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर लूं,
ये ट्रैक अच्छा से निकालना है इसका। ज़्यादा ट्रेसिंग करने से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मॉस्फेट ये मतलब ख़राब हो रहा है, मीन्स तो PWM में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ टाइमिंग का इशू होगा जो कि आसानी से पता नहीं चलेगा। तो बेटर है रिप्लेस कर लूँ एक बार। रिप्लेस करने के बाद प्रॉपरली मतलब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है मालूम चल जाएगा। यहाँ से लोकल जो IC मिलता है, ये दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ से मैं बहुत बार फंसा हूँ। एक मैकबुक एयर था मेरे पास और मैकबुक एयर था जो मतलब पावर ऑन के इशू में आया था वो, यानी कि मतलब उसमें SMC फॉल्टी था। अब दिक्कत क्या था उसमें, डेटा क्लॉक जो लाइन होता है सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक का जो अपना SM बस का जो, वही एक लाइन शॉर्टिंग था और उस लाइन के लिए ही मैं SMC मंगाया था। तो हुआ ये, SMC तो आया लेकिन अब जो प्रॉब्लम पहले वाला में था वो नया वाला भी SMC में भी प्रॉब्लम था। अब जब सेम मतलब रह गया वो प्रॉब्लम, वहाँ पे एक बार मेरा बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा कस्टमर ख़राब हो गया। मैं उसको 5 दिन तक वेट करके उस चीज़ को मंगाया था लेकिन वो निकला ख़राब। तो कोई बात नहीं, होता है एक बार। सेम बोर्ड को लेके गया वो दिल्ली और किसी ने स्क्रैप से निकाल के बोर्ड को रेडी करके दे दिया और मुझे 2-4 सुना दिया। तो अब MOSFET लगाऊं मैं यहाँ पे, तो ये रहा MOSFET। ऐसे लगेगा ना, ऐसा ही लगेगा। दूसरा वाला MOSFET भी लगा लूँ मैं, फिर मालूम चलेगा कि ये बनने लायक है या नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही बर्निंग था। अब दूसरा जो आया है एक बार चेंज किया हुआ है इसमें, फिर ये ख़राब हो गया ऑन होके। तो एक बार यहाँ का इंपीडेंस अगर चेक करूँ, शॉर्टिंग वगैरह कुछ तो क्या मिल रहा है वो देख लूँगा। तो इसको ये लगाना पड़ेगा यहाँ से। ये लग गया, अब इसको मैं जोड़ूं। एक अच्छी क्वालिटी का वायर चाहिए मुझे, तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। यहाँ
पे थोड़ा सा फ्लक्स चाहिए। अब ये कैसे जोड़ो, इसको बोर्ड को थोड़ा सा उल्टा घुमाता हूँ मैं, तभी मेरे को हाथ बैलेंस होगा। ऐसे बैलेंस नहीं हो रहा है मेरा हाथ। लग तो गया। अब दूसरा साइड अगर लगाऊं तो थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे काटने वाला व्यवस्था है नहीं, छोटा हो गया वायर। तो इसको वहीं से मैं थोड़ा सा हीट कर लूँगा। ये मेरे से शायद खाली टेस्ट पैड है आई थिंक, लेकिन फिर भी मैं जोड़ दूंगा इसको, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता इसमें। एक वायर ही तो लग रहा है। अब थोड़ा सा इसमें इंस्पेक्शन चाहिए, मैं कर लेता हूँ। नहीं करूँगा, अगर कहीं पे गलती रह जाएगा तो बोर्ड गया समझ लो। अब इस ऐसे को एक बार ड्रेस होल्ड कर लो, इसको थोड़ा ड्राई रह गया है पिन शायद तक। ये हो गया। इसको थोड़ा सा क्लीन करके ये देखना है कि कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं, क्योंकि ये तो एक्यूरेट पैड है नहीं इसका, और ट्रैक भी निकल गया है। अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ चेक कर लूँ, फिर इसको आगे लेके जाऊंगा। सॉरी, ये गलत चूज कर लिया मैं। मेरे को चाहिए ये। ठीक है, तो यानी कि मैं अब उसमें वोल्टेज दे सकता हूँ। तो इसको वोल्ट में ऐसे ही नहीं दे दूँगा जैसे कि रेगुलर बोर्ड में देते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं अलग ट्रिक यूज़ करूँगा, ताकि अगर कोई शॉर्टिंग वगैरह क्रिएट होता है तो बच जाए। तो उसी हिसाब से मैं डीसी को सेट करता हूँ, एम्पियर चेंज कर लूँगा ताकि ओवरलोडिंग ना हो इसमें। ओसीपी भी एक्टिव कर देता हूँ मैं, और आ जाए इधर। तो अब ये हो गया ऑन, 9 वोल्ट पे कुछ शॉर्टिंग आ रहा है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ तभी भी शॉर्टिंग है, यानी कि शॉर्टिंग होगा है। एक बार अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखूं अगर, तो
मॉसफेट तो मैं सही लगाया हूँ। कहाँ शॉर्टिंग हो रहा है क्यों? ये जो है अभी तक तो शॉर्ट हुआ नहीं है। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा सही से लगाया नहीं हूँ, या हीट लगाने के टाइम में ये थोड़ा सा मतलब साइड हो गया। इसको मैं हटा लूँ एक बार के लिए, फिर देखना है कि इसको कैसे अच्छी तरीके से रिस्टोर किया जाए। तो इसको ये सेट है, तो ये तो चीज़ है सेटिंग वाला, थोड़ा सा लफड़ा है, डर लग रहा है इसमें आगे कब खराब ना कर दे बोल के। तो कोई बात नहीं, जो मॉसफेट है क्या मैं अलग दूसरा वाला और एक लगाऊं कि उसी को यूज करूं? तो देखें तो मैं अलग वाला ही यूज कर लेता हूं, क्योंकि वो एक बार शॉर्टिंग में आ चुका है। तो यही वाला मैं निकाल लूंगा यहीं से, 7174 10 उसका है। जैसे कि अगर डीसी का सेटिंग प्रॉपर हम करते हैं तो हमारा काफ़ी काम नुकसान होने से बच जाता है। जैसे कि अभी मैं मॉसफेट से थोड़ा सा शॉर्टिंग हो चुका था, लेकिन मैं उसको प्रॉपरली सेट करके उसी हिसाब से मैं यूज़ किया तो आगे शॉर्टिंग क्रिएट नहीं हुआ। तो ऐसे ही अगर चीज़ को बचाना है तो उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जो भी, उसको प्रॉपर तरीके से पहले कैलिब्रेट कर लें, या कैलिब्रेट्स करना सीख जाएं, फिर वो सही काम देगा, वरना डैमेज करते रहेगा पार्ट को। ये जो है एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही लेता हूँ कॉइल को। तब आराम से मैं इसको सोल्डरिंग कर सकता हूँ। गर्म नहीं हो रही है? अरे भाई चल, अब गेट को जोड़ूं।
इसको मैं ट्वीज़र से ही साइड कर लेता हूँ, नहीं तो क्या होगा, ये मेल्ट होके निकल जा रहा है। तो अब इसको देखो मैं, कहीं से शॉर्टिंग तो नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार मैं बिना कॉयल का इसमें वोल्टेज देना चाहूँगा, वो भी एकदम कम, और कम मिली एम्पियर पे। तो 2 3 अब एक एक करके मैं बढ़ाऊँगा अगर इसमें, तो 1 सेकेंड इसमें जो है कुछ, अभी 19 वोल्ट है और 0.007, यानी कि ये एक अच्छा एम्पियर है इस केस में। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे एक वोल्टेज चेक करें कि कुछ वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है क्या, तो नहीं निकल रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये बिना कॉइल लगे हुए निकलेगा नहीं वोल्टेज यहाँ पे। तो इसको मैं लगा लूँ यहाँ पे, लग गया। अब चेक करना है फिर भी वोल्टेज, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर लूँ ताकि फिर शॉर्टिंग अगर हो तो मालूम चल जाए। तो जैसे कि मैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, इसमें 10 वोल्ट हो गया, अभी शॉर्टिंग नहीं है, 12 वोल्ट हो गया, यानी कि अब शॉर्टिंग इसमें नहीं आने वाला। तो ये ओवर प्रोटेक्शन मोड में चला गया क्योंकि मैं 19 के जगह पे 21 कर दिया था वोल्टेज। तो अब प्रोग्राम में इसको चेंज करूँ, तो एक नॉर्मल एम्पियर मिल गया, लेकिन इसमें चार्जिंग एलईडी तो नहीं है। तो वोल्टेज कुछ तो नहीं है यहाँ पे। कोई वोल्टेज नहीं, देन 19 नहीं। तो अब इसमें और क्या देखना है, तो ये फिर से मतलब शॉर्टिंग हो रहा है, तो इसमें अब क्या किया जाए, क्या करूँ मैं। तो एक बार के लिए मैं फिर से ये जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट जो मैं लगाया हूँ इसमें, उसको निकालता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि वो ट्रैक सब गया कहाँ है, क्योंकि इसका स्कीमेटिक नहीं है, और स्कीमेटिक नहीं होने के कारण से तो जल्दी रिपेयर नहीं होगा, तो थोड़ा सा मतलब रिस्क लेके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो उसको मैं हटा देता हूँ, लग उस पर यहाँ पे बाहर देखूँगा। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके देखने की कोशिश करूँगा अगर कि ये गया कहाँ है सप्लाई सब, तो शायद कुछ आइडिया लगेगा, क्योंकि इसका कंटिन्यूटी कहीं से मिल नहीं रहा है, सॉरी मिल रहा है लेकिन दूसरा वाला क्या है उस समय चेक किया था, मेरे को पता नहीं चल रहा था। तो फिर से इसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँ और फिर चेक करूँगा इसको। बड़ा टेंशन वाला काम है ये, बर्निंग जहाँ पर जाता है थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ देख के माइक्रोस्कोप में कि इसका हो क्या सकता है। तो दो वायर हैं यहाँ पे, दो मतलब नेट वायर मैं बोल रहा हूँ। अगर ये गेट है इस साइड का तो ये क्या है, अगर ये तो इधर से यहाँ क्रॉस करके आया नहीं होगा और इधर तो इसका कुछ काम ही नहीं है। अगर मैं ट्रेस करूँ इसको तो डीएमएम, इसका अगर ट्रेस करूँ मैं
मल्टीमीटर का सेटिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मल्टीमीटर है वो मैनुअल है, मैनुअल तो है लेकिन बहुत सारा मोड है इसमें, तो उस मोड को मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ अपना ज़रूरत के हिसाब से। तो इस दोनों का कनेक्टिविटी तो है नहीं, अब एक साइड तो मिल रहा है इधर, यानी कि ये गेट होगा इसका अपर मोसफेट का, अब ये साइड का नहीं मिल रहा है मुझे, तो ये साइड का नहीं मिल रहा है तो बैक साइड में भी कहाँ जाएगा वो। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक तो दूसरा मोसफेट लगा के देखूँगा, और दूसरा चीज़ जो है वो वायरिंग कहाँ गया वो ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो वो इसमें जो वायरिंग मिल नहीं रहा है, क्योंकि मतलब इसका स्कीमेटिक नहीं है मेरे पास, और जो है वो मैच नहीं करता है ऑन साइड, पहले भी मैं इसमें काम किया था मतलब ऐसा बोर्ड में, तो स्कीमेटिक है नहीं अवेलेबल सेम टू सेम, तो इसलिए मैं इसको कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ स्कीमेटिक ढूंढने का। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आइडिया लगाता हूँ कि ये जो है हो क्या सकता है, फीडबैक हो सकता है क्या। अगर फीडबैक है तो फीडबैक के लिए तो यहाँ से एक वायर गया है, नेट गया है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ गया है, तो उसको अगर फीडबैक मैं मानूँ तो अभी मैं गलत हो जाऊँगा, तो करूँ क्या मैं उसका। चलो पहले मैं मोसफेट दूसरा वाला लगाता हूँ, तो दूसरा मोसफेट यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा मोसफेट पहले लगाता हूँ उसके बाद सोचूंगा कि करना क्या है इसका। दूसरा मोसफेट पे सप्लाई अगर बनता है, क्योंकि वो जो मोसफेट लगाया था उसमें जो शॉर्टिंग आ रहा था, तो अब ये मोसफेट लगाऊंगा मैं। अरे भाई क्या मजाक है, तो इसको पहले लगाऊं, ये लोअर गेट वाला है, मोसफेट लग गया, और दूसरा मोसफेट अगर लगाऊं अपर गेट वाला तो ये है, और लग जा। तो ये एक बार के लिए लग गया है, तो हिल जा रहा है, ये मिसअलाइनमेंट हो जा रहा है, ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लगाने में। अब इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर लूँ कि कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं, और ये मोसफेट तो लग ही गया है, गेट लगा हुआ है, गेट के साथ शॉर्टिंग नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसको कूल होने दूंगा, उसके बाद देखता हूँ ऑन करके कि इसमें सप्लाई बना है या नहीं। यार अच्छा थोड़ा
लग नहीं रहा ये, लग तो गया है, मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा शोल्डर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लूज़ कंटेक्ट नहीं रह जाए। अगर लूज़ कंटेक्ट रह जाए तो ये जब स्विचिंग के टाइम पे ये ड्राई हो जाता है। तो अब एक बार से मैं इसको फिर से चेक करूँ, गेट के साथ शॉर्टिंग तो नहीं है और इसके साथ कोयल के साथ कनेक्टिविटी है फेस के साथ में। तो अब मैं थोड़ा सा और कुछ इसमें डायग्नोस करूँ, तो ये जो पिन नहीं मिल रहा है कहाँ गया है? इसको नहीं मिल रहा है तो टाइम लगेगा इसको ट्रेस करने में। तो अब इसमें अगर मैं पावर दे के देखूँ तो क्या होता है? और ये 147 लिया अगर मिली एम्पियर, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो अगर मेजर करूँ वोल्टेज तो मेरे को क्या मिल रहा है? हाँ ये बन गया, 5.5 वोल्ट वाला लाइन बन गया। अब 3 वोल्ट वाला लाइन क्या है? लेकिन ये बोर्ड ऑन भी हो रहा है अपने आप। अगर मैं इसको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये बोर्ड ऑन हो जा रहा है, डायरेक्ट एलईडी आ जा रहा है, लेकिन एम्पियर हाई नहीं है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ का कुछ वोल्टेज अगर मेजर करें तो ये क्या वोल्टेज? सीपीयू वोल्ट, सीपीयू का वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। अगर उस साइड देखूँ तो 1.8 वोल्ट है, और कौन सा वोल्टेज है? 1.0 भी है, तो 1.8, 1.0, सीपीयू नहीं बन रहा है, सीपीयू वोल्ट नहीं बन रहा है। कुछ हीटिंग है क्या इसमें? अगर मैं देखूँ कुछ हीट हो रहा है तो इसको मैं गैजेट का हेल्प लूँगा। तो गैजेट के लिए मेरे को थोड़ा दूसरा स्क्रीन चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए तो अब ये जो है कितना हीट है? 41 डिग्री, यानी कि मैं हीटिंग किया था जो उसका हीट है, और ये नॉर्मल होगा। चलो इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं बजने वाला, तो फिर से मैं जहाँ पे काम किया हूँ वहीं पे ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कन्फ्यूज़न है अभी भी। तो ये लाइन हो क्या सकता है? गेट तो नहीं हो सकता, ये गेट तो नहीं हो सकता, और रहा फीडबैक के बाद फीडबैक भी नहीं हो सकता, लेकिन वो गया तो कहीं तो है ज़रूर, तभी तो वो है वहाँ पे। और इसमें थोड़ा सा मैं रिस्क लूँगा कहीं ना कहीं जोड़ के, ऐसा भी तो अगर नहीं होगा तो ये बोर्ड तो रिप्लेस करना ही है, कस्टमर अप्रूवल दे दिया है रिप्लेस करने के लिए, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती लेके बैठा हूँ, एक तो थोड़ा चैलेंज वाला बात हो गया, तो थोड़ा रिस्क लूँगा इसमें कि क्या होता है। तो मैं एक वायर लेता हूँ यहाँ से और इसको जोड़ूंगा उस लाइन को कहीं ना कहीं से, एक तो गेट से तो नहीं जोड़ूंगा, और क्योंकि गेट तो ऑलरेडी कनेक्टेड है कहीं ना, तभी तो 5 वोल्ट जनरेट हो गया। अगर कनेक्टेड नहीं होता तो जनरेट नहीं होता, या उस पिन का रिक्वायरमेंट होता अगर ये स्टैंड बाई बनने के लिए, तो वो 5 वोल्ट या 3 वोल्ट जनरेट नहीं था। हो सकता है फीडबैक लाइन कहीं कुछ हो सप्लाई, तो एक बार के लिए मैं इसको आऊँ अगर यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक साइड कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, आई थिंक ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसको छोटा करना चाहिए मुझे, छोटा हो गया, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इधर उधर शॉर्टिंग होने का चांसेस है।
अभी एकदम एक परफेक्ट लग गया है। तो इसको मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसको फेस के साथ जोड़ के चलना होगा तो चलेगा, नहीं चलना है तो ये तो बोर्ड लगाना ही है नया वाला, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसको हो जाए तो अच्छी बात है। तो आते हैं फिर, मैं इसको माइक्रोस्कोप में यूज़ करूँगा यहाँ पे। और एक चीज़ मैं इंस्पेक्ट करूँ अगर, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर DSO का यूज़ कर लूँ, क्योंकि इसमें अगर DSO में अगर देखूँगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई ना कोई वोल्टेज तो मिलेगा ही। तो रिस्क लेने से पहले और थोड़ा सा एक चीज़ डायग्नोस कर लूँ तो मालूम चल जाएगा। अगर कोई PWM से कहीं से आ रहा होगा तो DSO में प्रॉपर मालूम चल ही जाएगा। तो DSO का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सेट करना पड़ेगा। 2 वोल्ट पे मैं लेता हूँ इसको, पर डिवीजन पे स्केल टाइम थोड़ा बढ़ाता हूँ, और ये जो है इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, तो अगर ट्रिगर मोड पे लूँ तो 500 मिल क्या होता है, राइजिंग एज हो रहा है, मतलब राइजिंग हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रिगर नहीं हुआ। तो 1 वोल्ट में सेलेक्ट करता हूँ अभी, ट्रिगर पोजीशन चेंज हो गया है मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो ये कुछ वोल्टेज है यहाँ पे, जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो ये 1 वोल्ट से भी कम आ रहा है। अगर इसको यहाँ पे लिया जाए तब क्या हो रहा है, मैं एक बार चेक करूँ। तो रिस्टार्ट हो रहा है तभी ये ऐसा हो रहा है, ये बोर्ड चालू होकर रिस्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये जो सप्लाई है अगर 1 वोल्ट से कैलकुलेट करूँ तो ये राइज हो रहा है 1, 2, 3, 4 4.5 वोल्ट के आसपास, और ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है अगर तो ये PWM होगा ही नहीं, अगर PWM होता तो थोड़ा सा तो यहाँ पे रहता कुछ फ्रीक्वेंसी टाइप का कुछ तो रहता, तो यहाँ पे नहीं है। तो मैं इसको रिस्क लेने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता, तो अब रिस्क लेना है यहाँ पे। अब मैं जोड़ूंगा इसको यहीं पे, तब क्या हो रहा है देखते हैं। तो ये रहा फेस वाला कॉइल। जोड़ा मैं, अब मुझे देखना है कि अब क्या होता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा, तो अब मैं इसको DC कर दूँ यहाँ पे, कुछ एम्पियर बढ़ा है। तो एम्पियर बढ़ा है तो ये ठीक है कि ख़राब है वो देखना है पहले। तो मैं एक बार DSO का इस्तेमाल करूँगा, CPU वोल्टेज के ऊपर रखता हूँ कि क्या CPU वोल्टेज बन रहा है। अगर 500 mA में रख के मैं ट्रिगर मोड पे लूँ तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम चलेगा, क्योंकि CPU वोल्ट तो 1 वोल्ट का होता है। तो ये रहा ये सप्लाई बन रहा है, और हम इसको ऑफ़ करते हैं, थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो एकदम सही सप्लाई है, 1.1 या 2 होगा, 1.1 या 2 होगा। और इसको मैं अगर जूम करके देखूं तो ग्लिच है गया है इसमें, तो अगर थोड़ा सा मैं इसका इस्तेमाल करूं नीचे लाने के लिए तो ग्लिच तो नहीं दिख रहा है मुझे। ये 2.0x का है, ये 10x पे जूम हो रहा है। तो यानी कि ये सप्लाई, ये जो मुझे सप्लाई मिल रहा है CPU का सप्लाई जनरेट हो रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं फीडबैक का काम कर रहा है।
तो अब इसमें और एक बार मैं इसको लगा कर चेक करूँ कि क्या है ये। तो अब सप्लाई देखूँ, चालू करता हूँ तो वो डाउन हो गया 6.8 ने 715 मिली एम्पेयर का कंजप्शन हो रहा है। तो इसमें रैम नहीं लगा है, खाली सीपीयू लगा है। तो सीपीयू अगर लगा है तो रैम भी लगा के देखना चाहिए मुझे। तो मैं एक बार रैम लेके आता हूँ तभी तो मालूम चलेगा। तो रैम लगा के डिस्प्ले लगा के देखना है कि हो क्या रहा है। ये रहा इसका डिस्प्ले और रैम। तो इसको रैम एक बार इंस्टॉल करता हूँ उसमें, उसके बाद देखेंगे। अब देखना है कि मेरा किस्मत अच्छा है कि ऐसे ही खुश हो रहा हूँ मैं। तो 700, 900, 800, वाह डिस्प्ले आ रहा होगा। तो एक बार इसमें हीट सिंक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हीट सिंक नहीं लगाता मैं अगर तो गर्म होगा ये। तो अगर मुझे मालूम है गर्म होगा तो क्यों मैं इसको छोड़ दूँ ऐसे ही। तो इसको लगा लेता हूँ मैं। तो अब वो देखना है इसको चालू करके। एम्पियर ठीक है, 900, 1.0 ले लिया, यानी कि ये डिस्प्ले होगा। और एक बार ट्रिगर करो तो ऑफ भी हो रहा है। ऑफ हो रहा है मीन्स डिस्प्ले आ चुका होगा इसका। तो अब मुझे इसको डिस्प्ले चेक करना है। और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। है क्या? डिस्प्ले आ गया, दिख रहा है। चलो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं थोड़ा सा जिद किया कि नहीं ये क्यों नहीं हुआ, एक बार देखता हूँ बोल के। और चीज़ रेडी हो गया तो नया मदरबोर्ड लगाना कैंसिल, कस्टमर को ही दे देंगे। इसको थोड़ा सा चला के देखना है कि ये सही चल रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से चल ही जाएगा, क्योंकि एक बार सीट डिस्प्ले आ गया तो चलना चाहिए। तो अच्छी बात है ये मेरे लिए, कस्टमर खुश हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे व्यू तो हो रहा है और टाइमिंग बढ़ रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा अच्छा वीडियो देखना है। तो बस बस तो ये तो शुरुआत है, और भी मैं काफ़ी सारा वीडियो लेके आने वाला हूँ जो एक सिग्नल लेवल पर होगा, जो कि मतलब जो प्रोटोकॉल जो होता है, जैसे कि SPI हो गया, IC2C हो गया, और सीरियल डेटा क्लॉक हो गया, जो भी है प्रोटोकॉल हमारे मतलब नोटबुक में चल रहा है उसको कैसे ट्रैक करेंगे, या उसको किस तरीके से मैं कौन करता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं किस तरह से टेस्ट करता हूँ और क्या उसमें मेजर करता हूँ कि मुझे रिजल्ट मिल जाता है, और जिस तरीके से भी करूँ मैं मुझे रिजल्ट मिलता है और मैं उसी तरह से काम करता हूँ। तो अगर आपको देखना है अच्छा अच्छा वीडियो तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और तभी तो इंटरेस्ट लगेगा वीडियो बनाने में। तो देखिए ये तो केस सॉल्व हो गया, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई सा। और कुछ लोग रिक्वेस्ट भी किए हैं कि उनको इंग्लिश में वीडियो चाहिए, तो भाई मुझे इंग्लिश तो आता नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक आध वीडियो बनाने का। और दूसरा चीज़, कुछ मतलब लोग ये भी बोले हैं कि मतलब पर्सनल ग्रुप में मैसेज में कि उनको कुछ डेटा रिलेटेड मतलब सिग्नल रिलेटेड कुछ मतलब दिखाओ बोल के। तो जल्द मैं लाऊँगा वो वीडियो भी लाऊँगा, ऐसा थोड़ा सा वेट कीजिए। क्योंकि उस जो ये सब जो वीडियो मैं ला रहा हूँ वो सब रैंडम वर्क है, मैं जो डेली का काम करता हूँ उसमें से रिकॉर्ड करके एक आध वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और स्पेशली मैं उसके लिए वीडियो बना के अपलोड कर नहीं रहा हूँ। तो अगर उस टाइप का वीडियो देखना है तो सपोर्ट कीजिए, मैं भी फिर उसमें इंटरेस्ट दे के काम करूँगा। और क्या।
एक छोटा सा ग्रुप भी बनाया है मैंने, उसमें अगर कोई ज्वाइन करता है टेलीग्राम में तो कुछ चीज़ होता है जो सीक्रेटली मैं रखता हूँ, और जो चीज़ होता है एडवांस लेवल का, अगर उस वहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ, या किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनली, या किसी को जानना है कि मेरा जो तरीका है काम करने का वो कैसा है और कैसे काम करता हूँ मैं, तो वो ग्रुप ज्वाइन करें, मैं हो सकता है नॉलेज कुछ आपसे मुझे मिल जाए या आपको मुझसे मिल जाए। तो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।